उस वानर ने सारी वाटिका उजाड़ दी है। क्या कहा? उसे तुरंत यहाँ बुलाया जाए। महाराज की जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीतावन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सिहै दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरु देव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध सा की गौरी सा, तुलसी दास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ श्री भूप सियावर राम चंद्र की जय। जय जय श्री राम। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। अच्छा था ना? अच्छा था बाबा। मजा आया ना? बहुत मजा आया। ए भाई देखो हनुमान बुला रहे। ए? हनुमान नहीं, हनुमान जी बोल। हाँ हाँ भाई, हनुमान जी, हनुमान जी बुला रहा है। रहा नहीं, हनुमान जी बुला रहे हैं। अरे भाई बुला रहे बुला रहे, इतनी छोटी सी बात को इतना लंबा करता है। आना भाई, आना भाई, मेरे को रावण और हनुमान मारेंगे। आना भाई, हनुमान जी ने बुलाया। हनुमान जी ने।
हनुमान जी, ये आपका भक्त आ गया। प्रभु प्रभु प्रभु, अरे आप तो हनुमान जी के सच्चे भक्त निकले। अरे भक्त क्यों नहीं, रावण से हनुमान के पैर छुड़वा दिए, बाबा आपने तो पूरी रामलीला ही बदल दी। सब 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 प्रभु की कृपा है। ये मेरा बेटा राजू, प्रणाम हनुमान जी। इसे भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु, इस पर हाथ लगा दीजिए। धन्यवाद, आपने दर्शन दिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ आ जाना। हाँ लिखो 20। बोलो महेश। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आपने अपने बेटे को चेन्नई में बहुत बड़ा ऑफिसर बनाया है ना, वैसे ही मेरा बेटा भी बहुत बड़ा ऑफिसर बने। तुम्हारा बेटा राजू के बारे में रोज तुम यही बोलते हो। मैं क्या बोलूँ, किसको बोलूँ। ठीक है, वो अभी पढ़ रहे ना, पढ़ने दो। अभी ऑफिसर बनना है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं है, बाद में। चिंता मत करो, उसको मैं देख लूंगा। तुम बजरंगी की पूजा करो, हैं? हाँ ठीक ठीक है। जाओ ठीक है, जाओ जाओ। हाँ धन्यवाद। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ। हाँ आपकी कृपा बनी रहे बस। चलो मैं हूँ। हाँ चलता मैं हूँ ना। 6 लिखो। भाभी, स्वामी ने कहा है मेरा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। महेश मुझे पता है, ये पता है। अरे आपको भी पता है। पढ़ बेटा पढ़, बेटा बहुत पढ़। हाँ पापा पढ़ूंगा। जय बजरंगबली। राजू, अरे बेटा राजू, आज एग्जाम है तुम्हारा और तुमने अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी। मैं नहीं लिखने जा रहा एग्जाम, अभी तो पापा भी नहीं आए। ये महेश भी ना भजंगी की भक्ति में राजू का एग्जाम तक भूल गया। सही है चाची, अब तो मैं एग्जाम भी नहीं लिखूंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। मैं अभी तुम्हारे पापा को बुला के लाती हूँ, तब तक तुम यूनिफॉर्म पहन कर तैयार हो जाओ। ठीक है? ठीक है। एग्जाम के वक्त पापा हमेशा ऐसे ही करते हैं। कर्पूर गौरम कर्मा अवतारम संसार कारम देवारम देवारम ओम भवानी सहितम नमामि पातात्मनर्मा नर्यूतमितम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रलय कालानय प्रकट वीर विक्रम दैत्य रक्षक सोमग्रह। महेश क्या हुआ? राजू रो रहा है। राजू रो रहा है क्यों? आज उसका मैथ्स का एग्जाम था और तुम उसे अभी तक स्कूल नहीं ले गए। उसे डर है कि आज उसका एग्जाम छूट जाएगा। भाभी वो समय से पहले स्कूल पहुंच जाएगा। वो कैसे? सिद्ध बलि मेरे साथ। मामा दीन विक्रम जंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबे
देखा, टाइम से पहले पहुंचा दिया। हाँ पापा, आप तो कमाल हो। अरे कमाल मैं नहीं, कमाल हनुमान जी ने किया है। अरे पापा आपका फोन बज रहा है। बजने दे, हनुमान चालीसा जब तक पूरी नहीं हो जाती मैं फोन नहीं उठाऊंगा। आप भी ना पापा। जा जा जा, जल्दी जा। पापा टाइम पर आना। संभल कर संभल कर, अरे भाग भाग भाग, जल्दी जा अंदर जा। बाय बाय। कटे जब वो बाहों में झूले, वो कंधे पर बैठ के मेरे चांद और सूरज छूले। हंसते हंसते वक्त कटे जब वो बाहों में झूले, वो कंधे पर बैठ के मेरे चांद और सूरज छूले। दो रंगों ने रंग दी है दुनिया मेरी सतरंगी, एक मेरा राजू एक मेरा बजरंगी, एक मेरा राजू एक मेरा बजरंगी। राजू बजरंगी, राजू बजरंगी, राजू बजरंगी, राजू बजरंगी। बारिश का वो पानी, कागज की वो नाव, सुबह की चढ़ती धूप और ममता की छांव, तेज हवा के झोंके और मिट्टी का घर, पेड़ पे मीठे आम और तोते का डर। ये खेल खिलौने उसके, ये खेल खिलौने उसके, मैं बच्चा बन जाता हूँ हाँ साथ रहूं जब उसके। कुछ भी याद नहीं रहता जब ये हो साथी संगी, एक मेरा राजू एक मेरा बजरंगी, एक मेरा राजू एक मेरा बजरंगी। राजू बजरंगी, राजू बजरंगी, राजू बजरंगी, राजू बजरंगी। जादू का खेल वो सर्कस और जोकर, छुक छुक करती रेल, एक हाथ में कुल्फी दूजे में गुब्बारा, तारों से भी जगमग हाँ इन आंखों का तारा। दिन रात दुआएं मांगू, दिन रात दुआएं मांगू हाँ चैन से बस वो सोए, दिन रात में चाहे जागूं। ये खुश रहते हैं तो रहती है ये तबीयत चंगी, एक मेरा राजू एक मेरा बजरंगी, एक मेरा राजू एक मेरा बजरंगी। राजू बजरंगी, राजू बजरंगी, राजू बजरंगी, राजू बजरंगी। Oh!
गई, उसकी माँ मर गई और अब माई भी इसको छोड़ के चला गया। सही बात, देखो ना पूजा करते करते मर गए। हाँ भाई, ऐसा हालत तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। बिल्कुल सही बात है। महेश रोज यही कहता था कि राजू को बहुत बड़ा आदमी बनाना है। मैं बनाऊंगा, उनका इच्छा पूर्ति करूंगा, लेकिन महेश किधर है? हनुमान जी का इतना बड़ा भक्त था, भक्ति करते करते मर गया। ना कोई बीमारी, ना कोई हादसा, और अचानक महेश का इस तरह सबको छोड़ के चला जाना। भगवान की यह लीला भी कुछ समझ में नहीं आती है भाई। स्वामी जी, हनुमान जी खुद महेश को लेके गए। नहीं 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 नहीं, उसकी भक्ति में ही कोई कमी रह गई होगी जो उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। नहीं, कैसी कमी? नहीं, उनके भक्ति में कमी नहीं है, उनके शक्ति में कमी हो सकता है। अरे हमने ना उसे सुबह 5 बजे ठंडी में मंदिर जाते हुए देखा है। सरपंच जी, 4 डिग्री टेम्परेचर में भी वो रोज मंदिर जाता था। एक तरीके से महेश को हनुमान जी ने ही मारा है। सही बोला आपने। क्या क्या सही बोला? मेरे पापा को हनुमान जी ने मारा है। जाने वाला को चला। अब हम सब लोग राजू के बारे में सोचे तो अच्छा है। राजू को क्या सोचना है, वो मेरे पास रहेगा। इसका फैसला पंचायत करेगी, आप नहीं। पंचायत कैसा फैसला करेगा इसमें? बिल्कुल करेगी, क्योंकि महेश की मौत मंदिर के प्रांगण में हुई है और मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल से धोना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं सरपंच जी? राशिद मियां आप चुप रहिए, ये धर्म का मामला है। धर्म का मामला? धर्म का मामला कहां से आया इधर? स्वामी जी आप महेश जी से बात कीजिए, हम सब मिलकर उनसे बात करेंगे। ये ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा। हाँ राशिद मियां, हम सब जन मिलकर महेश जी से बात करेंगे ना, तो फैसला हमारे हित में होगा। स्वामी जी, राजू आपके ही पास रहेगा, यही हमारा फैसला है। महंत जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं सरपंच जी, ये हमारा अंतिम फैसला है। महंत जी बहुत शुक्रिया, हम सब भी यही चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है स्वामी जी, कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे कहिए, सरपंच जी से नहीं। अच्छा स्वामी जी, मैं चलता हूँ। थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा राउंड लेना। स्वामी अंकल, स्वामी अंकल, मेरे पापा को हनुमान जी नहीं मारा है ना? उन्होंने नहीं मारा। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा को हनुमान जी नहीं मारा है। ये बच्चा समझ के सब बहका रहे हो, मुझे पता है मेरे पापा को हनुमान जी नहीं मारा। बेटा राजू, बहुत देर हो गई ना, सो जाओ। शाबाश। अब क्या हुआ? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। मेरे पापा को हनुमान जी नहीं मारा है ना? राजू टाइम हो गया, सो जाओ। चलो बेटा सो जाओ। ठीक है। शाबाश। सो जाओ, सो जाओ। कहाँ जा रहा है? कुछ मत पूछ सारा, चल राजू खेलते हैं, बहुत मजा आएगा ना? नहीं, ये खिलौने मैं किसी को नहीं दूंगा। पर क्यों? क्यों? मैं ये खिलौने हनुमान जी को देके अपने पापा को वापस लाऊंगा। फिलहाल मैं अपने पापा को वापस लेते हैं। अपने पापा को वापस लूंगा। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पास तो पापा है, तो तुम किसको लेकर आओगे? दूसरे लेकर आओगे? Thank you.
पापा ने दी थी, ले लो। ये मेरी डॉल, ये भी मेरे पापा ने दी थी, ये भी ले लो। ये रहे मेरे बाकी खिलौने, ये सब ले लो, पर मेरे पापा को वापस दे दो प्लीज। प्लीज मेरे पापा को दे दो, यही रख देना मेरे पापा को, ये लेके यही रख देना मेरे पापा को प्लीज। पापा को छोड़ के मेरे पास और कोई नहीं है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे पापा को लौटा दो, वो ही मेरी देखभाल करते थे, प्लीज लौटा दो ना, प्लीज मेरे पापा को वापस दे दो प्लीज प्लीज। देखो मैंने आपको अभी खिलौने भी दे दिए ना, प्लीज मेरे पापा को दे दो, मैं आपके। राजू तो यहाँ क्या कर रहा है, गाँव में हनुमान जी आए हैं क्या? वहाँ पे और भी बहुत सारे भगवान हैं, चल उनसे मांग ले अपने पापा। चल जल्दी चल। ये तो धर्म का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ? धर्म का मामला? अरे धोती खोलने में धर्म का मामला कहाँ से आ गया? शिंदिया क्या जवाब दिया है सरपंच जी को? राजू अरे बाप रे। हाँ वो बात खिलौने तो ले गए पर मेरे पापा को नहीं दिए, उनको देख लेंगे ना। हाँ दे राजू। एक काम करते हैं, मेरे अब्बू वकील है, वो किसी को भी जेल में भिजवा सकते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि हनुमान जी। हाँ हाँ सही आइडिया, सही आइडिया, मेरा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। अब्बू मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलो बेटा। राजू के पापा को जिसने मारा है आप उनको जेल करा सकते हो, आप तो वकील हो। जरूर कर सकता हूँ बेटा। किसने मारा? हनुमान जी ने। हनुमान जी
इधर आ बैठ। हमारे जो अल्लाह है ना, वैसे ही उनके हनुमान जी हैं। खुदा किसी को मारा है नहीं, तो हनुमान कैसे मार सकता उनको? इसका मतलब राजू के पापा को हनुमान जी ने नहीं मारा? नहीं मारा। तो मैं ये बात राजू को समझा दूं? जरूर समझा दो। ठीक है? ठीक है अबू। राजू क्या हुआ? हनुमान जी मेरे पापा को लेके जा रहे थे और उनके पास मेरे खिलौने भी थे। हनुमान जी ये सब सपना होगा, सो जाओ। राजू कल मैंने अपने अबू से बात की, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा को हनुमान जी ने नहीं मारा है। जैसे हमारे खुदा होते हैं वैसे वो तुम्हारे खुदा है, वो किसी को भी नहीं मार सकते। हनुमान जी ने अगर तेरे पापा को ऐसे मारा रहता ना तो तू कभी ऐसे नहीं बोलती। राजू तू भी ना। हनुमान क्या हुआ? अरे तुम्हारे मस्तिष्क से तो बहुत रक्त बह रहा है। प्रभु आप ही बताइए इसमें मेरा क्या दोष है? उस बालक ने मेरे मस्तिष्क पर पत्थर से प्रहार किया है प्रभु, मैंने तो उसके पिता को नहीं मारा ना प्रभु। यही तो बालहट है हनुमान। हनुमान इस बार तुम्हारा युद्ध एक बालक के साथ होने वाला है, और हाँ यह युद्ध तुम्हारे लिए अब तक का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। बड़ा युद्ध प्रभु? हाँ हनुमान। हनुमान क्या तुम उस बालक पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करोगे? कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। तो हो गया ना बड़ा युद्ध हनुमान? हाँ प्रभु। और हाँ हनुमान ये युद्ध तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर लड़ना पड़ेगा। पृथ्वी लोक पर प्रभु? हाँ हनुमान, क्योंकि इस बालक के पिता महेश जिसकी मृत्यु का दोष वो बालक तुम पर लगा रहा है, उसकी मृत्यु तुम्हारे ही प्रांगण में तुम्हारी ही भक्ति करते समय हुई है। वो महेश तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त था। हाँ प्रभु वो तो था। एक बात तुम्हें और बता दूं। क्या प्रभु? हनुमान उस बालक के पिता महेश की अतृप्त आत्मा उस बालक के चारों ओर भटक रही है, और उस अतृप्त आत्मा को तृप्त करके परमात्मा में विलीन करना तुम्हारे इस युद्ध का एक अभिन्न अंग है हनुमान। प्रभु फिर तो ये युद्ध बहुत कठिन हो गया ना? हाँ हनुमान, किंतु हनुमान हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। धन्य है प्रभु आप। परंतु प्रभु पृथ्वी लोक पर मेरा स्वरूप यही रहेगा क्या? प्रभु मेरी पूछ। वो अदृश्य है हनुमान। प्रणाम प्रभु। पृथ्वी लोक में यही रूप रहेगा तुम्हारा। धन्यवाद प्रभु। कैसे समझाएं? हनुमान जी को ही पत्थर मार के आ गया, मासूम बच्चा। राजू, राजू बेटा,
राजू बेटा, तूने आज पत्थर मारकर अच्छा नहीं किया। देखना हनुमान जी तुझसे जरूर गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, मैं अपने पापा को उनसे वापस लेके आऊंगा। हाँ बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि हनुमान जी ने तेरे पापा को नहीं मारा। आज तेरी वजह से पूरी पंचायत बैठी है। एक तो वो सरपंच पहले ही तेरी जान का दुश्मन बना बैठा है, वो नहीं चाहता कि तू गांव में रहे। और पत्थर मारकर बेटा तूने एक मौका और दे दिया उसे। जब मेरे पापा वापस आएंगे तब मैं चले जाऊंगा ये गांव छोड़के, मैं कभी किसी से मिलना नहीं आऊंगा। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। हनुमान जी की मूर्ति को पत्थर मारा गया है, इसलिए पत्थर मारने वाले बच्चे राजू को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। जी क्या बात कर रहे हो आप, वो तो बच्चा है, छोटा बच्चा। बच्चा है तो क्या हुआ, क्या बच्चा धर्म से ऊपर है? क्यों शास्त्री जी, जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म सर्वोपरि है। सरपंच जी, इसमें धर्म वाली बात तो है ही नहीं। भाई राजू बच्चा है, उसने अनजाने में मूर्ति पे पत्थर मार दिया, तो बताइए क्या कर सकते हैं। सरपंच जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि राजू की भावनाओं को समझते हुए उसे माफ कर दिया जाए। गोयल जी, हनुमान जी की मूर्ति से खून निकला है, खून। जानते हो इसका असर क्या हो सकता है? गांव पे आपदा आ सकती है, त्रासदी छा सकती है, अशांति हो जाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि बच्चे को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। नहीं, बच्चा गांव से नहीं जाएगा। अगर हो जाएगा मैं भी ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। क्या स्वामी जी, आप हमें छोड़कर कहां जाएंगे? ठीक है, अभी जो कलेक्टर आए हैं वो जो फैसला करेंगे वो हम मान लेंगे। बिल्कुल ठीक। देखिए, ये इतना डिफिकल्ट मामला नहीं है, इसको आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं, आपस में राय बना लेते हैं। कलेक्टर साहब, हम भी यही चाहते हैं। राशिद मियां, आप चुप रहिए, ये धर्म का मामला है। अरे क्या धर्म, धर्म में बार बार यही बोलता रहता है। कलेक्टर साहब आ गए ना, वो फैसला करेंगे। कलेक्टर साहब जो भी फैसला करेंगे वो हम सबको मंजूर होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कलेक्टर साहब बहुत ही धार्मिक आदमी है। जी साहब, आप कहिए। कलेक्टर साहब आप बोलिए। देखिए, मेरी राय ये है कि ये राजू की पहली गलती है, इसलिए उसे माफ किया जाए। यही सही है, राजू को इसी गांव में रहना दिया जाए। थैंक यू कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद, अभी आप लोग संभालिए प्लीज। ये होता है फैसला, मानता हूँ मैं कलेक्टर। कलेक्टर ना बहुत धार्मिक आदमी है।
मैं धन्य हो गया प्रभु, जीते जी आपकी भक्ति करता रहा, लेकिन कभी इस तरह साक्षात दर्शन नहीं हुए प्रभु। आज आपने मुझे मेरी आत्मा को दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। महेश, मुझे तुम्हारे बेटे राजू के बारे में कुछ कहना है। गलत फहमी हो गई है प्रभु, उसे लगता है कि आपने मुझे मारा है। बस मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ, माफ कर दीजिए उसे। महेश, इस तरह से तुम्हारा अशांत आत्मा के रूप में अपने बेटे के आसपास रहना भी तो गलत है ना। मैं जानता हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ। मुझे आप ऐसी शक्ति दे दीजिए कि मैं एक बार प्रभु अपने बच्चे को सीने से लगाना चाहता हूँ। मरते वक्त मैं उसे देख नहीं पाया था प्रभु, बस मुझे ऐसी शक्ति दे दीजिए। ये संभव नहीं है महेश। प्रभु, तो फिर मेरा भी यहां से जाना संभव नहीं है। तुम बहुत जिद्दी हो महेश। आपका भक्त हूं महाराज। उफ, बेटा राजू। हाँ, आप कौन है अंकल? मैं वो बजरंगी अंकल हूँ बेटा। बेटा, तुमने कल हनुमान जी के माथे पर पत्थर मारा ना, ये अच्छी बात नहीं है ना? उनको लगी क्या? हाँ बेटा, उनके माथे से तो खून भी निकला था। कितना खून निकला? बेटा, पत्थर मारोगे तो थोड़ा तो खून निकलेगा ही ना। थोड़ा ही तो निकला, अब की बार तो मैं पत्थर से मारूंगा, वो भी इतने बड़े पत्थर से, और ज्यादा खून निकालूंगा, तभी वो मेरे पापा को वापस देंगे। बड़े आए बजरंगी अंकल बनके मुझे। अरे बेटा राजू, ऐसा मत करना। इन्हें क्या हो गया? क्या हुआ जी, आज आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया? राजू ने मूर्ति के ऊपर पत्थर मारा है। हाँ, फिर पंचायत, ये सबसे वजह से मैं परेशान हो गया हूं। क्या हो गया राजू को? क्या हुआ राजू? क्या हुआ? अब वो हनुमान जी मेरे पापा को वापस रामपुर विलेज ले गए। ये फिर भी ये सपना है? नहीं, ये सपना नहीं था, ये सच्ची में हुआ है। राजू, सो जाओ, सो जाओ, गुड बॉय, सो जाओ। मेरी बात कोई मानता ही नहीं है। पानी लाओ। जी। अरे भाई, अरे प्रधान जी, ये लड़का यहाँ का तो नहीं लगता है, कहाँ से आया ये? हाँ हाँ हाँ, इस गांव का तो नहीं लग रहा। मेरे पापा का है। पापा? बेटा कौन पापा? मेरे पापा, हनुमान जी मेरे पापा को यही तो लेके आए थे। अरे कौन हनुमान भाई?
हनुमान प्रसाद या हनुमान तो कोई नहीं प्रधान जी इस गांव में। नहीं, अरे नहीं, बजरंगी, बजरंग बली। अरे हनुमान, हनुमान बजरंग बली। हनुमान जी की बात कर रहे हैं भाई? बच्चे को गलत फहमी हो गई है। हाँ ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कुछ। हाँ हाँ अंकल, हनुमान जी ना मेरे पापा को उनके मंदिर लेके गए होंगे। प्लीज उनके मंदिर लेके चलो ना, प्लीज अंकल। अरे बेटा, यहाँ तो कोई हनुमान जी का मंदिर है ही नहीं भाई प्रधान जी। क्यों है ना? हाँ यहाँ पे दुर्गा माता का जरूर मंदिर है बेटा। ओके, मुझे दुर्गा माता के मंदिर ले चलो प्लीज ना अंकल। भाई सत्य प्रकाश जी, ऐसा करिए, इस बालक को आप मंदिर ले चलिए, इतने में हम पता करते हैं कि कहाँ का है कहाँ का नहीं है ये। हाँ यही ठीक रहेगा। आ बेटा इसको संभाल ले। चलो प्रभु, राजू को इस गांव में लाने का काम आप ही ने किया है ना? मैं समझ गया था कि आपका यहाँ मंदिर भी नहीं है और इसलिए राजू आपको पत्थर भी नहीं मार सकता है ना प्रभु? धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। एक विनती है, करो। क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? हाँ छू सकते हो प्रभु। आशीर्वाद, मुझे ऐसी शक्ति दे दीजिए कि मैं राजू को लेकर एक बार नंदा जात यात्रा पे ले जाऊं, उसकी बड़ी इच्छा थी प्रभु। हाँ ये पैर इसीलिए छुए थे तुमने? हाँ हाँ प्रभु। हाँ वो मंदिर है जी, वहाँ अभी राजू आने वाला है। हाँ प्रभु, उस पर ध्यान दो। अंकल तभी मेरे पापा मिलेंगे ना? अंकल आप बोलो ना प्लीज। महेश तुम्हारे बेटे के लिए हमको क्या क्या करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि विधाता के नियमों को भी तोड़ना पड़ रहा है। प्रभु आपका सच्चा भक्त हूँ, करना ही पड़ेगा, बच्चा हूँ मेरा, देखना ही पड़ेगा। बचपन में मेरी मम्मी मर गई, अब मेरे पापा भी मर गए, अब खाली आप ही हो मेरे लिए माता जी। प्लीज बता दो ना मुझे हनुमान जी का मंदिर का। और आपके पापा का? महेश, और अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। अरे सुनिए सुनिए, इस बालक का पता चल गया है, हमारे गांव के बगल के पड़ोसी गांव का है। अच्छा अच्छा, हाँ जी चलो। स्वामी जी देखिए राजू कैसा खुश। और हम कितने परेशान हो गए थे उसे ढूंढते ढूंढते। सारा गांव ढूंढ लिया। क्लास में हो? दूसरी। गुड। नमस्ते नमस्ते। ये आपका बच्चा है? हाँ जी, बहुत प्यारा बच्चा है। इधर आओ। तू क्या किया बिना बता के कैसे आया, वो भी रात में? मालूम है कितना परेशान हो गया हमको। हैं? सॉरी स्वामी अंकल। ऐसा कभी मत करना। नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है धन्यवाद। हाँ चलो ठीक है राजू। प्रभु आप इतनी टेंशन में क्यों बैठे हैं, मैं समझ सकता हूँ। क्या? कि स्वामी राजू को लेके अपने गांव वापस चला गया है ना? लेकिन ऐसा कैसे हो गया? अरे महेश, तुम्हारे बेटे राजू ने माताजी के मंदिर में जाकर मेरा ही मंदिर मांग लिया। हाँ जय माता दी, जय माता दी। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? अरे प्रभु, मेरे बेटे राजू को आपके अलावा माता का भी आशीर्वाद मिल गया ना। वाह प्रभु, अब चलें अपने गांव। चलो। हाँ चलिए प्रभु, एक विनती है। क्या? आपके पैर छूऊं फिर से गांव में? गांव में मैं दो बार आपके पैर छूऊंगा। अच्छा, यानी कि तुम्हारी दो इच्छाएं हाँ। और हैं? ठीक है, गांव में चल के पूरी कर दूंगा। ठीक है प्रभु, ठीक है ठीक है प्रभु। हाँ हम ऐसे पैदल क्यों चल रहे हैं? हाँ? मैं आत्मा, आप बजरंगी, हम तो जय श्री राम। प्रभु बोलो महेश। एक
विनती है। इस बार क्या विनती है महेश? आपके पैर छू लो। अच्छा वही विनती है, छू लो। प्रभु बस 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 ऐसी शक्ति दे दीजिए कि राजू अब की बार आपको पत्थर मारे ना, पत्थर आपको नहीं मुझे लगे। राजू के पत्थर से तुम मुझे बचा ही नहीं सकते। उसका पत्थर तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगा क्योंकि तुम्हारा तो शरीर ही नहीं है। भूल जाता हूँ तुम। ये राजू के हाथ में क्या था? पत्थर था प्रभु। पत्थर? इसे लेके कहाँ जा रहा है? ये रास्ता तो मंदिर की तरफ ही जाता है। जय श्री राम। को अच्छी शिक्षा नहीं दी है। नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है। वापस दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। पहली बार बॉल माला अपने हल्के से ले लिया, अब की बार तो पत्थर ही मार दूंगा। मैं 1 से 10 तक गिनूंगा। मेरे पापा को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हनुमान जी को पत्थर नहीं मारते। उन्होंने मेरे पापा को मारा तो मैं भी उनको मारूंगा। बेटा हनुमान जी किसी को नहीं मारते। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पापा को उनसे वापस दिलाइए। ठीक है बेटा मैं उनसे बात करूंगा, तुम्हारे पापा को वापस दिलवा दूंगा। ये बात उनसे कहवाइए। बेटा, बेटा मैं बजरंगी अंकल हूँ, मैं उनको जानता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पापा को वापस दिलवा दूंगा। 2 दिन में अगर मुझे मेरे पापा वापस नहीं मिले तो ये पत्थर मैं उनके ऊपर तो फेंकूंगा, साथ में आपके ऊपर भी फेंकूंगा। ठीक है बेटा ठीक है, अब तुम जाओ। ये बच्चा भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, क्या करूं समझ में नहीं आता। तुम्हारा बेटा बहुत जिद्दी है महेश। प्रभु मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ मुझे ऐसी शक्ति दे दीजिए जिसे मैं इसे समझा पाऊँ, इसको गले लगा पाऊँ और उसे ये बता पाऊँ कि मुझे आपने नहीं मारा है। प्रभु ये संभव नहीं है महेश। प्रभु आप भी, अरे संजीवनी बूटी के लिए आप पूरा पहाड़ उठा कर ले आए थे और आप कह रहे हैं ये छोटी सी बात ये संभव नहीं। वो काम आसान था, ये काम आसान नहीं है। प्रभु आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, प्रभु सब कुछ आसान है। पानी। बहुत बढ़िया। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा। और वो गांव की झांकी कैसी रही? बहुत बढ़िया, अच्छी रही। लेकिन आज मैं बच्चों से पिटते पिटते बचा हूं। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? अरे मैंने कुछ नहीं किया, दरअसल हुआ ये कि एक बच्चा मेरे पास आकर कहने लगा, क्या नाम था उसका, राजू, हाँ
कहने लगा मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा को आपने मारा है, हनुमान जी ने मारा। ऐसा क्यों कह रहा था वो? क्या मालूम, बच्चे हैं, बच्चों की बातें कौन जान सकता है। वैसे उस बच्चे को देखकर, उसके मासूम चेहरे को देखकर मुझे बड़ा तरस आया। सोचो ना, इतनी सी उम्र में किसी बच्चे के माँ बाप मर जाएं, तो उस बच्चे के दिल पर क्या बीतती होगी। हाँ, और 11 साल से जिसकी औलाद ही ना हो उस पर क्या गुजरती होगी। लक्ष्मी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। लक्ष्मी, वैसे एक काम कर सकते। क्या? उस बच्चे के माँ बाप नहीं और हमारे कोई औलाद नहीं, तो क्यों ना उस बच्चे को हम गोद ले लें। कैसा हो सकता है? हाँ, अगर ऊपर वाला चाहे ना, कुछ भी हो सकता है। तो कब चलेंगे उसको लेने? देखो, कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, परसों नर्सों में चलते हैं। पक्का? हाँ। तो इसी बात पे मैं आपके लिए हलवा पूरी बना के लाती हूँ। ठीक है। वाह वाह प्रभु, वाह, कमाल कर दिया है। धरती पर मेरा हमशक्ल बना दिया है। बस मेरे बेटे राजू और उस हमशक्ल का मिलन करवा दीजिए, मेरी आत्मा पूर्ण रूप से शांत हो जाएगी। और मैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ आपसे, हंसते हंसते चलूंगा आपके साथ। जरूर, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण होगी महेश। प्रभु, एक विनती है। फिर विनती? एक बार पैर छू लूं आपके? छू लो प्रभु। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु। बस महेश, महेश, इस बार तुमने कुछ भी नहीं मांगा? बस प्रभु, इन दोनों का मिलन करवा दीजिए, हम तो हंसते हंसते चलेंगे आपके साथ। प्रभु, कौन कौन है आप? प्रभु, आपने यही स्वरूप तो दिया है मुझे। ओ हनुमान। हाँ प्रभु। आपने अकस्मात मुझे याद किया। तुमने पृथ्वी लोक पर बालक के पिता महेश का दूसरा रूप बनाकर तुमने विधाता के विधानों का उल्लंघन किया है। तो मैं क्या करता प्रभु? उस छोटे से बच्चे को देखकर मेरा मन विचलित हो जाता है प्रभु, और मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। किंतु हनुमान, तुम्हें विधाता के विधानों का पालन तो करना ही पड़ेगा। हाँ प्रभु, मैं प्रयास करूंगा। सच्चा प्रयास हनुमान। सच्चा प्रयास प्रभु। मैं चलूं प्रभु? रुको हनुमान, तुम पृथ्वी लोक पर इस रूप में जाओगे? नहीं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हनुमान इतना विचलित तो लंका युद्ध के समय भी नहीं हुआ था। अवश्य उस बालक ने हनुमान को बहुत विचलित कर दिया है। अरे तुम लोग सोच रहे हो या खुजा रहे हो? जा रहे। अरे दोनों पागल। राजू, तुमने कुछ सोचा? मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, अब तू ही सोच। मेरे पास एक आइडिया है राजू। क्या? बोल। तू उनसे गुस्सा करने के बजाय तू उनसे प्यार से मांग, तो शायद हनुमान जी तेरे पापा को लौटा दे। मेरे अबू कहते हैं प्यार से जो मांगे वो मिलता है। ठीक है, चल उन दोनों से पूछते हैं उन्होंने कुछ सोचा है या नहीं। ठीक है, पूछ लेते हैं, अभी तक तो खुजा ही रहे थे। वैभव, संगना, तुमने कुछ सोचा? मैं तो एप्पल खा रहा हूँ। मैं तो रोटी पी रहा हूँ। अफ ओ, ये दोनों कुछ काम के ही नहीं है। चलो चलो। पता नहीं छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मेरा। छोड़ो, वरना मैं और पत्थर मारूंगा। छोड़ो ना हनुमान जी, छोड़ो ना हनुमान जी,
और स्वप्न देखा क्या? हनुमान जी ने मेरे पापा को वापस उनकी तरह बना दिया। ओह राजू सो जाओ। नहीं अब की बार मैं नहीं सोऊंगा। अगर अब मैं सो गया तो वापस मुझे सपना आएगा और आप मुझे चिल्लाओगे। मैं चाची के पास जा रहा हूँ। आप तो मेरी बात समझते ही नहीं। पापा को वापस कर दो प्लीज। अब मेरे को मेले लेके जाने वाला भी और कोई नहीं है। पापा ने प्रॉमिस किया था कि वो साइकिल दिलाएंगे। अब तो साइकिल दिलाने वाले भी कोई नहीं है। प्लीज हनुमान जी मेरे पापा को दे दो प्लीज। मैंने आपको पत्थर मारा था उसके लिए सॉरी। प्लीज दे दो ना प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत कड़ी है धूप नहीं दूर तक छाया और मेरे सर पे रहा किसी का साया। पकड़ के किसकी उंगली अब मैं ला जाऊंगा और वो खेल खिलौने अब कैसे लाऊंगा। दिन रात मैं सो ना पाऊं दिन रात मैं सो ना पाऊं। है भीड़ बहुत दुनिया में डरता हूँ खो ना जाऊं। लौटा दो मेरे पापा को ना है कोई साथी संगी। रो रहा है राजू सुनो जरा बजरंगी। 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 प्रभु मेरे बेटे राजू ने आपको रुला लिया। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं प्रभु। तुम्हारा बेटा राजू बहुत मासूम है महेश बहुत मासूम। इसीलिए तो कहता हूं प्रभु मुझे एक बार ऐसी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने बच्चे को गले लगा सकूं अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर सकूं और उसे ये बता सकूं प्रभु कि मुझे आपने नहीं मारा है। महेश ये संभव नहीं है। प्रभु आपने सेतबंधु रामेश्वरम में पत्थर का पुल बना दिया और छोटी सी बात के लिए आप कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। अपनी जिद पर अड़ा है। प्रभु प्रभु राजू सारा राजू तेरे पापा की फोटो अखबार में छपी है जल्दी है सब देख रहे हैं। ये देखो पेपर में क्या छपा है। ये महेश जैसा है। सरपंच जी महेश जैसा नहीं महेश ही है। हाँ वही तो। नहीं नहीं ये महेश नहीं हो सकता। अरे महेश तो कप्पा भगवान को प्यारा हो गया। अखबार में लिखा है कि इसका नाम शंकर है और ये एक स्थानीय कलाकार है और रामलीला में हनुमान का रोल करता है। कल रात को राजू ने बोला उनका स्वप्न में उनका पिताजी को हनुमान ने हनुमान बना दिया। क्यों हो रहा है ये सब ऊपर वाला का खेल है। बिल्कुल 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 ऊपर वाला है। बिल्कुल सही कह रहे। स्वामी अंकल स्वामी अंकल स्वामी अंकल स्वामी अंकल मेरे पापा की फोटो बताओ ना। स्वामी अंकल मैंने आपको बोला था ना हनुमान जी ने मेरे पापा को उनकी जैसे बनाया। देखो ये हनुमान जी और ये मेरे पापा। स्वामी अंकल
मेरे को मेरे पापा के पास लेके चलो ना प्लीज स्वामी अंकल प्लीज अभी। हाँ स्वामी जी, पहले वो पेपर ऑफिस जाएंगे। आप जाइए इसके साथ, देखिए क्या बात है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो ना स्वामी अंकल। चलिए राशिद मियाँ, अब तो सरपंच जी भी ऊपर वाले के खेल को मानने लगे हैं। नमस्ते सरपंच जी। इश्क जो भी करे वो पागल, इश्क जो ना करे वो पागल। जल्दी करो ना। अरे चल रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छा सुनो ना, वैसे कितना दूर होगा यहाँ से राजू का गांव? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर, हम 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे ना। अरे रस्ते में पेट्रोल भराना है, बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। प्लीज जल्दी करो और मैं नल चेक करके। अरे मैं रेडी हूँ, जल्दी आ जाओ। चले चलो। ओ चलो चलो, तुम भी ना मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हो राजू से मिलने के लिए। लाओ जी जल्दी करो ना। अरे कर रहा हूँ। वो मुझे माँ तो बोलेगा ना। अरे लक्ष्मी, जब वो मुझे पापा बोलेगा तुम्हें भी तो माँ बोलेगा। चलो ना जल्दी चलो ना। स्वामी जी यही है वो न्यूज़पेपर का। ओके थैंक यू। स्वामी अंकल मेरे पापा यही मिलेंगे ना? हाँ मिलेगा। करो सर आप चाय। Excuse me, may I help you sir? वो मिस्टर भरत कहाँ बैठा है? मिस्टर भरत on that room sir. Thank you, thank you, thank you, thank you sir. Good morning Mr. Bharat. Good morning, welcome. Please take your seat. नमस्ते नमस्ते। वो पेपर किधर है? ये लीजिए। इनको देखिए। शंकर वेरी गुड एक्टर। बच्चे को उनसे मिलना है। क्यों? क्योंकि राजू राजू पापा जल्दी मिल जाएंगे, उनसे बात तुम परेशान मत हो, पापा मिल जाएंगे। ये बच्चे का बाप मर गया, लेकिन बच्चा बाबूलाव बाबूलाव कहाँ से बुलाऊंगा? उसका शक्ल बाप का शक्ल है, उसको देखना है। मैं शंकर को फोन करता हूँ। शंकर का फोन स्विच ऑफ। स्विच ऑफ में? हाँ माय गॉड सर, सम हेल्प मी श्योर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके घर चलते हैं शंकर के। आइए प्लीज आइए। हाँ बच्चे को लेंगे। आपके आशीर्वाद से मैं इन दोनों को मिलन के नजदीक तो ले आया हूं, अब इनके मिलन की घड़ी आ गई है प्रभु। आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु। अरे 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 प्रभु, अरे प्रभु कहां लगे? वो देखिए वो क्रॉस हो गए सामने से, बिल्कुल उनके सामने से निकले। वो देखिए स्कूटर वहां चला गया। अरे उनका मिलन हो जाता। ओफो मैं आज ही आपके साथ चल देता। बताइए मिलन ही नहीं हो पाया, और ये आप किससे बात कर रहे थे? ये मैं भगवान राम से बात कर रहा था। भगवान राम से? प्रभु मुझे भी एक बार दर्शन करवा दीजिए। ये संभव नहीं है। बदल दे तूफानों का रुख, बदल दे मौसम की बौछार, तू ही है मालिक दुनिया का, यहाँ बस तेरी ही सरकार। खड़े हैं दर पे फरियादी, तमाशे हैं अफसानों के, यहाँ सब दीवाने तेरे, मिटा दे गम दीवानों के। रहे ना सू जिसमें हमको वो आंखें दे दे, थोड़े और दिन दे दे, थोड़ी और रातें दे दे। बदल दे लिखा तू मजमून, बदल दे अपना तू कानून, बड़ी है उम्मीदें तुझसे, ना करना उम्मीदों का खून। आइए सरपंच जी आइए। अरे देखिए चमत्कार, सिद्ध बली बाबा ने चमत्कार कर दिया। अपनी आंखों से देख लीजिए आके। अरे आइए आइए। नमस्ते
नमस्ते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे क्या हो सकता नहीं सरपंच जी, हो गया है। सच सामने है। शंकर, आप मुझे जानते हैं? तुम वही शंकर हो ना जो रामलीला में हनुमान का रोल करते हो? जी जी जी। लेकिन तुम्हारी शक्ल बिल्कुल महेश से मिलती है। महेश कौन? छोटे बच्चे राजू का पिता, जो अब नहीं रहा। राजू का पिता? हाँ। कितने संजोग की बात है ना, जिसके बच्चे को हम यहाँ गोद लेने आए हैं उसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती क्या? है। आप लोग राजू को गोद लेने आए हो? जी, जी जी। और वो गांव के लोगों के साथ शहर गया है तुम लोगों से मिलने के लिए। देखो, मैं इसे चमत्कार नहीं मानता हूँ, लेकिन ये सब सिद्ध बलि की कृपा से है। आप लोग ना जल्दी से शहर जाइए, वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। ठीक है ठीक है, हम बस सिद्ध बलि का आशीर्वाद लेते हैं फिर चले जाएंगे। चलो लक्ष्मी जी। नमस्ते। जरूर। हे भगवान, ये सब क्या हो? मिला है पत्थर से पानी, खिले हैं सहरा में भी फूल, चले हैं हम भी मंजिल को तेरे कदमों की लेके धूल। तेरी मुट्ठी में बादल है, तेरी मुट्ठी में सागर है, यहाँ सब प्यासे बैठे हैं, सभी की खाली गागर है। मैं जो करने चाह रहा हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपके आशीर्वाद से करने चाह रहा हूँ। मेरा चेहरा राजू के पिता के चेहरे से मिलता है प्रभु, ये कोई संयोग की बात नहीं बल्कि आप ही का चमत्कार है। 11 साल से मेरी कोख सूनी थी और आज आप ही के आशीर्वाद से मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला। हेलो। अरे तुम कहाँ हो शंकर, बच्चा कब से वेट कर रहा है यहाँ? जी बात कराइए। हाँ राजू सामने है, मैं बात कराता हूँ। हाँ हाँ बात कराइए ना। लो बेटा। हेलो पापा, कैसे हो? पापा पापा, मैं राजू बोल रहा हूँ। पापा आप कुछ राजू, बोलते क्यों नहीं? बात करो ना पापा, मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है पापा, प्लीज आ जाओ ना पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज। मैं आ रहा हूँ। आप आ रहे हो ना मेरे पास? हम आ रहे हैं बेटा। थैंक यू अंकल। ये अंकल, मेरे पापा आ रहे हो। पापा आ रहे हैं स्वामी अंकल। दिन दे दे थोड़ी और रातें दे दे, बदल दे लिखा तू मजमून, बदल दे अपना तू कानून। बड़ी है उम्मीदें तुझसे, न करना उम्मीदों का खून। जिंदगी देने वाले थोड़ी और सांसें दे दे, थोड़े और दिन दे दे थोड़ी और रातें दे दे, जिंदगी देने वाले थोड़ी और सांसें दे दे, थोड़े और दिन दे दे थोड़ी और रातें दे दे।
वरी डोंट वरी वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट शांत सब ठीक हो जाएगा प्रभु ये एक्सीडेंट कैसे हो गया शंकर मरना नहीं चाहिए मैं बता रहा हूँ महेश विधाता का अपना भी कुछ खेल होता है कि नहीं तुम्हारे बेटे राजू के लिए मैं विधाता से भी लड़ रहा हूँ अरे मुझे कुछ मतलब नहीं है आपके विधाता से अगर अगर शंकर को कुछ हो गया ना मेरा आप पर से विश्वास हो जाएगा मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा शंकर मारते बेटा उन्होंने मेरे पापा को फिर मार दिया नहीं बेटा उन्होंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा भगवान जी किसी को नहीं मारते बेटा आपने पिछली बार भी यही बोला था अब मैं आपकी बात नहीं अच्छा, सुनूंगा अच्छा, सुनो मेरी बात बेटा तुम अपने पापा से बहुत प्यार करते हो ना करता हूं उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो बहुत ज्यादा करता हूं तो ठीक है अभी तुम एक काम करो तुम अपने पापा के पास जाओ उनको छुओ वो ठीक हो जाएंगे ये मैं तुमसे कह रहा हूं ठीक है अच्छा सुनो एक मिनट सुनो ये लो और इसे अपने गले में डालो अब अपने पापा के पास जाओ तुम्हारे पापा जरूर ठीक हो जाएंगे ठीक है जाओ वो ठीक तो हो जाएंगे ना बजरंगी अंकल ने कहा तुमको ठीक होना ही पड़ेगा प्रभु क्या कहा आपने राजू को शंकर ठीक हो जाएगा ना मैं प्रयास कर रहा हूँ महेश प्रयास कुछ नहीं प्रभु मैं तब तक इस जगह से हिलूंगा नहीं जब तक शंकर ठीक नहीं हो जाता बस पापा
पापा उठने वाले स्वामी अंकल। पापा उठो, पापा पापा उठो प्लीज, पापा मेरे लिए उठो पापा प्लीज। स्वामी अंकल पापा उठ क्यों नहीं रहे? पापा मैं 3 तक गिनती करूँगा, अब उठ जाना। 1, 2, 3। पापा मैंने 3 तक गिनती कर ली, उठो ना पापा। विराट रूप देखकर मैं समझ गया था कि शंकर अंदर ठीक हो चुका है। अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया है ना? प्रभु आपने मेरे बेटे राजू के लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है प्रभु। ओ पापा, पापा अपना बुरा ना खेल पापा। अरे पापा क्या उठे हो? पापा पापा वो वाला। अरे क्या पापा? आप मेरे पापा नहीं हो, नहीं। आप मेरे पापा नहीं हैं, नहीं। आपके कैरेक्टर नहीं आता। आप मेरे पापा नहीं हैं। Don't worry, प्रभु। इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हारे बेटे राजू ने शंकर को अपना पिता मानने से इनकार कर दिया है। क्यों प्रभु क्यों? क्योंकि वो समझ गया है कि शंकर तुम्हारा हमशक्ल है। प्रभु अब क्या होगा, अब क्या होगा प्रभु? अब तुम्हारी इच्छा पूर्ति का वक्त आ गया है महेश। तुम अपने बेटे को गले लगाना चाहते थे ना? हाँ प्रभु हाँ। तो अब तुम अपने बेटे को गले लगा लोगे और उसे समझाओगे, यही हमारा आखिरी उपाय है। प्रभु प्रभु जाओ। हाँ प्रभु हाँ जाओ जाओ महेश। पापा नहीं है, नहीं है वो। राजू 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 पापा राजू पापा। अब क्या? तो वो कौन है पापा? बेटा वो शंकर अंकल मेरे हमसफर। आपके जैसे? बेटा अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मुझे तुझे एक बात समझानी है। मुझे हनुमान जी ने नहीं मारा। तो किसने मारा? किसी ने नहीं बेटा, मेरा समय आ गया था। तो आप अब मेरे साथ कैसे रहोगे पापा? रहूंगा ना बेटा। वो कैसे पापा? अब मेरी आत्मा शंकर अंकल के शरीर में चली जाएगी, जिससे तू हमेशा मेरे साथ रह सकता रहेगा ना बेटा? रहूंगा पापा। तो फिर चल
जाऊं? जाओ महेश। तुम? अरे आप तो वो पेट्रोल पंप। सही पहचाना शंकर तुमने, मैं वही हूँ। पापा आप इनके वजह से ठीक हुए हो, इन्होंने मुझे कहा कि आपको हिला कब ठीक हो जाओगे। ठीक हो गए ना तुम्हारे पापा बेटा? हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की मदद की। ये बच्चा है ही इतना खूबसूरत, इसकी मदद तो पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। ब्रह्मांड? हाँ शंकर, तुम नहीं समझोगे। अच्छा बेटा राजू, मैं चलता हूँ। खुश रहो, खुश रहो। बाय। बजरंगी अंकल, और मैं आपको पत्थर नहीं मारूंगा, और आपको खून भी नहीं निकलेगा। मैं आपको पहचान गया हूँ कि आप हनुमान जी हो। जब आप मेरे सपने में पापा को खींच के लेके जाते थे, तब आपने ऐसा ही कड़ा पहना था, और अभी भी आपके हाथ में वही कड़ा है। आप हनुमान जी हो, मुझे पता चल चुका है। मैंने आप सब आपके लिए है। हम आए हैं सिद्ध बलि
दर्शन दो बजरंग बली, दर्शन दो बजरंग बली, हम आए हैं सिद्ध बली, दर्शन दो बजरंग बली, दर्शन दो बजरंग बली, दर्शन दो बजरंग बली, फिर से वापस आ जाओ तुम त्रेता के बजरंग बली। कलयुग में कोहराम मचा है शहर शहर और गली गली, दर्शन दो सिद्ध बलि, दर्शन दो बजरंग बलि, बजरंग बलि। मानव है मानव का दुश्मन, कैसी विपदा आई है, चारों तरफ आपत ने घेरा, हम की बदली छाई है। कोई न माने कोई न समझे, जग में ऐसी हवा चली, फिर से वापस आ जाओ तुम त्रेता के बजरंग बली। कलयुग में कोहराम मचा है शहर शहर और गली गली, दर्शन दो सिद्ध बली, दर्शन दो बजरंग बली।